हेलो दोस्तों, कुजराट के यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने टीआरपी का नाम जरूर ही सुना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि फलाने शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा है, पर बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि आखिर टीआरपी होता क्या है और यह किस लिए यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टीआरपी से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बताएंगे। टीआरपी क्या होता है? टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। टीआरपी एक ऐसा सिस्टम है जिससे यह पता चलता है कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी इससे किसी भी प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी को समझने में मदद मिलती है। जिसकी जितनी ज़्यादा टीआरपी, उसकी उतनी ज़्यादा लोकप्रियता। टीआरपी कैसे मापी जाती है? दोस्तों, देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते हैं, उन सभी पर किसी खास समय में क्या देखा जा रहा है इसे मापना संभव नहीं है, इसलिए सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। टीआरपी का पता लगाने के लिए पीपल्स मीटर नाम की एक खास डिवाइस को अलग अलग शहरों में कुछ चुनिंदा जगहों पर लगाई जाती है, जहाँ से ये डिवाइस हमारे सेटअप बॉक्स से कनेक्ट किए जाते हैं और इस मीटर से टीवी से जुड़ी हर मिनट की जानकारी इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट तक पहुँचा दिया जाता है। और यह टीम पीपल्स मीटर से मिली जानकारी का एनालिसिस करने के बाद तय करती है कि किस चैनल या प्रोग्राम का टीआरपी कितनी है। और इस टीआरपी के जरिए इंडस्ट्री के सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल लिस्ट जारी करती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टीआरपी से टीवी चैनलों की कमाई का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, टीआरपी को इतना ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका सीधा असर टीवी चैनलों की इनकम पर होती है। अगर किसी प्रोग्राम या चैनल की टीआरपी कम है तो उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट के कम पैसे दिए जाते हैं, और अगर किसी चैनल या प्रोग्राम की टीआरपी ज़्यादा है तो उसे एडवर्टाइजमेंट के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर इस समय आईपीएल की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा है। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि जब भी आईपीएल मैच के दौरान ब्रेक आता है तो उसमें दिखाए जाने वाला एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। बड़ी कंपनीज की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके एडवर्टाइजमेंट को देखें, और ज़्यादा टीआरपी वाले शो में एडवर्टाइजमेंट दिखाने से उनका एक काम भी पूरा हो जाता है और इस तरह टीवी चैनल की भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो दोस्तों, सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब जिसकी ज़्यादा टीआरपी, उसके पास एडवर्टाइजमेंट देने वालों की उतनी ज़्यादा भीड़। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप टीआरपी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए वीडियोस कुछ ज़रा हटके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।